करवा रहे हैं, वो सब काम कर रहे हैं, तो उस पर कोर्ट का जो भी फैसला आया है उस फैसले के आधार पर कानूनी राय लेकर जो भी उचित कदम होगा राज्य सरकार अवश्य उठाएगी। लेकिन जातीय जनगणना के संबंध में आप अगर पुराने इतिहास में जाएंगे तो जब इस देश में मंडल कमीशन लागू हुआ था तो सर्वोच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर हुआ था और सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने ये विश्लेषण किया था और ये निर्देश दिया था कि सभी राज्यों में गणना कराई जाए, सभी जाति के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को। आप नीचे की जरूरत है तो अगर राज्य सरकार बिहार में अगर जातीय गणना करा रही है तो जातीय गणना को और जातीय जनगणना दो अलग अलग चीज है, एक को कैसे मिला दीजिएगा? आखिर सुप्रीम कोर्ट ने नगर निकाय के और पंचायत के चुनाव के लिए ये निर्देश दिया ना कि ट्रिपल टेस्ट कराइए। तो ट्रिपल टेस्ट क्या होता है? वही सर्वे है, सर्वे वही है। हम रोड बनवाते हैं, हम सड़क बनवाते हैं, हम पुल बनवाते हैं, तो सर्वे करते हैं ना, सर्वे के आधार पर ही हम करते हैं कहाँ जरूरत है कहाँ नहीं जरूरत है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रिपल टेस्ट का आदेश दिया है। तो इसलिए जो भी पटना उच्च न्यायालय का आदेश आया है उसकी समीक्षा कर रहे हैं जो वाले लोग हैं वो उसकी समीक्षा करके जो भी उसमें कार्रवाई होगी वो जाएगी। लेकिन इतना बता दे गाजियाबाद का व्यक्ति, गाजियाबाद में रहने वाला व्यक्ति बिहार में जातीय गणना से कैसे प्रभावित हो रहा है? मुकदमा कर रहा है गाजियाबाद का आदमी। तो ये सब कई चीजें हैं जिसमें पर्दे के पीछे से खेल हो रहा है और हम सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी राज्य में बिहार में जातीय गणना नहीं हो इसके लिए पहले से पर्दे के पीछे से प्रयासरत रही है, आगे भी रहेगी, लेकिन उनको कोई लाभ नहीं। सर विपक्षी एकता को लेकर के आप भी गए थे झारखंड गए, बाकी जो होगी उस पर जो भी होगा वो आपको समय आने पर सब बता दिया जाएगा क्या निष्कर्ष निकला उसका। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।